हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य, आज आपको मैं एक कविता के माध्यम से किसान की फसल के बुआई के पहले से लेकर के फसल की कटाई के बाद तक की कथा सुनाऊंगा एक कविता के माध्यम से। अगर आपको यह कविता प्रभावित लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कविता को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो सबकी भूख मिटाता है, जो सबकी भूख मिटाता है, मैं शीश उन्हें नवाता हूँ। जो सबका अन्न दाता है, मैं उनकी कथा सुनाता हूँ। पहले बारिश का इंतजार, पहले बारिश का इंतजार, बीज बोने को है तैयार। कब पहली बारिश आएगी, मन में करता वह विचार। कब पहली बारिश आएगी, मन में करता वह विचार। जब पहली बारिश आई तो, जब पहली बारिश आई तो खूब प्रसन्न वो होता है। उत्साह उमंग आशाओं से खेतों में बीजों को बोता है। कुछ दिन जब बारिश ना आए, कुछ दिन जब बारिश ना आए तो मन में वह घबराए। कुछ दिन जो बारिश ना आई तो बीज कैसे उग पाए। कुछ दिन जब बारिश ना आई तो बीज कैसे खेतों में उग पाए। सामान्य वर्षा हो जाए तो, सामान्य वर्षा हो जाए तो बीज अच्छे से उग जाए। यदि भारी बारिश हो जाए तो बीज मिट्टी में ही सड़ जाए। यदि भारी बारिश हो जाए तो बीज मिट्टी में ही सड़ जाए। पौधा ठीक से बढ़ जाता है तो रोग उसमें लग जाता है। पौधा ठीक से बढ़ भी जाए तो रोग उसमें लग जाता है। किसान दवाई छिड़के जतन करे, फिर जाके उसको उगाता है। किसान दवा छिड़के उसका जतन करे, फिर जाके उसको उगाता है। लाल हाथी फसल को देखकर मन ही मन वह हर्षाता है। कुछ धन इस बार कमाऊंगा, यह अनुमान वह लगाता है। कुछ धन इस बार कमाऊंगा, यह अनुमान वह लगाता है। फसल कटते समय यदि वर्षा की हो जाए पुहार, 4 महीने की मेहनत हो जाए एक दिन में बेकार। 4 महीने की मेहनत हो जाए एक दिन में बेकार। सारी मेहनत पूरी किस्मत, सारी मेहनत पूरी किस्मत, हर दिन कोसे भगवान भरोसे। हर दिन कोसे भगवान भरोसे, सारी फसल बर्बाद हुई वह अपनी किस्मत को कोसे। सारी फसल बर्बाद हुई वह अपनी किस्मत को कोसे। ये बात खरीब फसल की थी, रबी की बाकी है। ये बात खरीब फसल की, रबी की अभी बाकी है। कितना कठिन जीवन का किसान, यह उनकी एक झांकी है। कितना कठिन किसान का जीवन, यह उनकी झांकी है। रबी में वर्षों का डर नहीं होता, रबी में वर्षा का डर नहीं होता, बट सिर लहर तो आती है। जब हम रजाई के अंदर सो रहे होते हैं, किसान खेत की सिंचाई करता है। किसान खेत की सिंचाई करता है। भीषण ठंडी रातों में हम रजाई के अंदर होते हैं। लाखों किसान भाई तब अपने खेतों में जग रहे होते हैं, अपने खेतों में जग रहे होते हैं। घोर गर्मी में काम करे, हर दिन खेतों के नाम करे। घोर गर्मी में काम करे, हर दिन खेतों के नाम करे, तब जाके कुछ अर्जित करे और अपने घर का पेट भरे। तब जाके कुछ अर्जित करे, अपने घर का पेट भरे। इतना करने पर फसल के मूल्य ना मिलने का गम।
इतना करने पर भी फसल के ना मूल मिलने का गम। फसल का मूल्य तब मिलता है जब फसल का उत्पादन होता कम। फसल का मूल्य तब मिलता है जब फसल का होता उत्पादन कम। किसान के जीवन संघर्षों का ना कोई सानी है। कितने उपकार हम पर हैं क्या हमने ये जानी है। कितने उपकार हम पर हैं क्या हमने ये जानी है। उनका जीवन सुखमय है, उनका जीवन सुखमय हो, ईश्वर से ये अर्ज लगाई है। ईश्वर से ये अर्ज लगाई है, जो सबका अन्नदाता है, मैं उनकी कथा सुनाई है। मैं उनकी कथा सुनाया हूँ, जो सबका भूख मिटाता है, मैं उनको शीश नवाता हूँ, जो सबका अन्नदाता है, मैं उनकी कथा सुनाता। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।